कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। कांग्रेसियों द्वारा इस पदयात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान करार दिया गया है और उम्मीद है कि संगठन को इस यात्रा से संजीवनी मिलेगी। श्री पेरवंदूर में अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही बुधवार से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। 118 अन्य भारत यात्रियों और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ 3,570 किलोमीटर की यह पदयात्रा अगले 150 दिनों तक चलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में यूपी कांग्रेस के दो नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इनमें सचिन रावत को गुजरात का कोऑर्डिनेटर और अंशु अवस्थी को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों ही यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। जिम्मेदारी मिलने के बाद दोनों ही नेताओं ने एक मत से कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है उस पर वे खरे उतरेंगे। अंशु अवस्थी ने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा देश के सामाजिक सद्भाव और देश की अखंडता और एकता के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। भारत जोड़ो यात्रा देश के सामाजिक सद्भाव, जो आर्थिक देश में विषमताएं हुई हैं और लोगों को जो बांटने का काम किया जा रहा है, ये उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली है, जिसमें मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीडिया टीम की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। मीडिया कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा एक आम कार्यकर्ता पर जताया है, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूँगा और जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री जयराम रमेश जी और मीडिया पब्लिसिटी के चेयरमैन श्री पवन खेड़ा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी भरोसे के साथ निभाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये भारत जोड़ो यात्रा इस देश के सामाजिक सद्भाव और देश की एकता अखंडता के लिए ऐतिहासिक यात्रा साबित हो। वहीं सचिन रावत ने भी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से देश में ध्रुवीकरण के माहौल को बदलने की तैयारी है। पिछले 8 सालों में भाजपा की मोदी सरकार ने सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया और लोगों को बांटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने ठाना है कि भारत को तोड़ने में भाजपा को कामयाब नहीं होने देना है। श्री राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने कन्याकुमारी से की है और ये यात्रा 150 दिनों तक कश्मीर जाके ख़त्म होगी। इस यात्रा के माध्यम से जो देश में ध्रुवीकरण का माहौल है, पिछले 8 सालों में जिस तरह से देखा है आपने कि लगातार महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी से युवा हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है। जिस तरह से विपक्ष के नेता अगर आवाज़ उठाते हैं तो ईडी का डर दिखाया जाता है, ईडी के छापे डलवाए जाते हैं। आज ये लोकतंत्र कहाँ चला गया? मैं तो पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि इस तरह की कार्रवाई आज तक नहीं हुई, लेकिन आपने आज राजनीति को क्रूरता पे उतारू कर दिया। जिस तरह से लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन में एक स्वच्छ चर्चा हुआ करती थी, आज लोकतंत्र के मंदिर में गाली गलौज का माहौल है, अराजकता का माहौल है। जो नेता सवाल उठाता है उसको आप निलंबित कर देते हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है मोदी जी? राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत भारत जोड़ो का एक सपना लेकर के की है और इस यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने के लिए, देश को बनाने के लिए, देश में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए इस यात्रा का निर्वहन किया जा रहा है। मुझे गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि पिछले 3 पंचवर्षीय से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज की डेट में गुजरात पिछड़ा क्यों है? सबसे ज़्यादा गुजरात में कर्जा है उस प्रदेश पे, वहाँ बेरोजगारी लगातार, दलितों पर उत्पीड़न है। ये सब गुजरात में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हुए भी नहीं सुधरा। तो मैं समझता हूँ कि अब गुजरात के व्यक्ति भी समझ रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने उनको लूटा है, उनको झूठे सपने दिखाए हैं और निश्चित तौर पे नवंबर में जब चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। बता दें कि कांग्रेस की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। खास बात यह है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक कंटेनर में सोएंगे। इस बार वो किसी होटल में नहीं बल्कि एक कंटेनर में रात गुजारेंगे।
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 3570 किलोमीटर की यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में यूपी कांग्रेस के नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर बात करें सचिन रावत की, तो सचिन रावत को गुजरात का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, वहीं अंशु अवस्थी को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संघर्ष किया है, शायद उसी की देन है कि आज हर भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहा है। कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी ये यात्रा कांग्रेस के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी हुई है। बहरहाल राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से क्या फायदा पहुंचता है। विजन सनवाग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।